अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। तो हम पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। आज हमने परसों पढ़ा था टिश्यू कल्चर, तो अब इसी का हमें दूसरा मेथड पढ़ना है, हाइब्रिडाइजेशन। दपान की क्रॉप वेराइटीज जो होती है इनको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है ना, एक स्टेप लिया गया। स्टेप क्यों लिया गया? ताकि हमारी प्रोडक्शन बढ़ सके, यील्ड बढ़ सके, ठीक है ना। तो इसीलिए कुछ स्टेप्स लिए गए। लाइक उसमें पहला स्टेप था टिश्यू कल्चर, नाउ सेकेंड कम्स द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ये इसलिए किया गया ताकि इसमें असल में होता क्या है, हम क्या करते हैं, क्रिएट न्यू क्रॉप वेराइटी। हम एक ऐसी क्रॉप की वेराइटी को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका यील्ड अच्छा होता है, जिसका मार्केट में अच्छी नीड होती है, जो हमें डिजीज़ फ्री होता है। देखो मैं आपको कैसे समझाती हूँ। लाइक अगर इस लर्श वनस या तो ज़मीनस मांस, तो पहले पहले क्या होता था कि ये जो खीरा है नॉर्मल साइज़ होता था, ठीक है ना, छोटे साइज़ भी बड़े साइज़ भी एवरेज साइज़ के होते थे, ठीक है, और ज़्यादा यील्ड नहीं मिलती थी। पतझड़ के साथ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि हमने क्या किया, हमने एक नई क्रॉप वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया, क्रिएट किया। उन्हीं जो पुराने खीरे हैं उन्हीं में से हमने कुछ अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स निकाले। अगर कोई खीरा है, कोई वैरायटी है, वो बहुत अच्छा ग्रो करता है, उसमें डिजीज़ नहीं होती, उसका एक जीन निकाला। तो इसी तरीके से हर एक में से एक अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उनमें से हमने क्या किया, उन्हीं वैरायटीज़ को सेलेक्ट किया, ठीक है ना, उन्हीं वैरायटीज़ को सेलेक्ट किया और हमने एक उनसे एक वैरायटी प्रोड्यूस की। आज उनसे हाइब्रिड लवर आसान आप देखेंगे, उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और एक पेड़ पे हमें बहुत क्वांटिटी में मिलते हैं खीरे। वो तो वहाँ पे हमने हाइब्रिडाइजेशन वो प्रोसेस किया, ठीक है ना, यानी कि इसमें हमने एक नई वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, जिसका यील्ड अच्छा होगा, जो अच्छे से ग्रो करेगा, जो डिजीज़ फ्री होगा, ठीक है ना, और जो अच्छे से रिस्पॉन्स देगा फर्टिलाइजर्स को, ठीक है। तो हमने ये क्यों किया, एस्कोर इम मोजो कि हमारी इससे प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, प्रोडक्शन के इंक्रीज एस्केशन का प्रॉब्लम है ना। तो ये मेथड, इस मेथड से भी हमें अच्छी वैरायटीज़ के क्रॉप मिले जिनकी मदद से हमारी प्रोडक्शन जो है वो इम्प्रूव हो गई, ठीक है ना। तो ये होता है हाइब्रिडाइजेशन मेथड। अब हाइब्रिडाइजेशन मेथड जो होता है किस लिए इम्प्रूव करते हैं, ये मेथड क्यों हम यूज़ करते हैं, इनसे क्या क्या मिले सॉर, तो वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। लाइक इसे हाइब्रिडाइजेशन मेथड से इसमें जो हमें क्रॉप मिलेगा उसकी यील्ड अच्छी होगी, हायर यील्ड, यानी ये यील्ड है असल, तो प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ जाएगी, तो हम मार्केट में अच्छे से वो सेल कर सकेंगे, हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो हाइब्रिडाइजेशन मेथड से हायर यील्ड क्रॉप जो हमें वो मिलता है। डीएम से इम्प्रूव्ड क्वालिटी, यानी कि इमेज क्वालिटी आए ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू पुराने, ठीक है ना, क्वालिटी जो होगी वो इससे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जो हमने हाइब्रिडाइजेशन मेथड से हमें क्रॉप मिला, पहली चीज़ को उसकी यील्ड ज़्यादा होती है, हायर यील्ड होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, क्वालिटी सही आए डिमांडिंग ज़्यादा होगा, है ना, क्वालिटी अच्छी होगी तो अच्छा बिकेगा, अच्छी तरह लोग कंज्यूम करेंगे। तब बेकिंग क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट इन वीट, प्रोटीन क्वालिटी इन पल्स, ऑयल क्वालिटी इन ऑयल सीड्स एंड प्रिजर्विंग क्वालिटीज़ इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये कुछ क्वालिटीज़ है जो इम्पॉर्टेंट होती है, जैसे वीट में बेकिंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बाद में जो वो यूज़ होता है फॉर मेकिंग ब्रेड्स एंड चपातीज एक्सेट्रा, तो उसमें जब बेकिंग क्वालिटी अच्छी होगी तो हमारा वो बेकरी प्रोडक्ट भी सही बनेगा। प्रोटीन या पल्स में असल तिलीकरण वो कंज्यूम, ऑयल जब ऑयल सीड में अच्छा होगा तभी तो लोग ऑयल सीड यूज़ करेंगे, ठीक है ना। प्रिजर्विंग क्वालिटी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होनी चाहिए ताकि वो बहुत देर तक उनको हम रख सके, ठीक है ना, स्टोर करके रख सके, तो बहुत देर तक रख सके फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स, तो ये सब क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अब जो हाइब्रिडाइज्ड जो हमारे पास क्रॉप होता है उन सब में ये क्वालिटीज़ होती है, क्योंकि हमने क्या किया होता है, हमने स्पेसिफिक क्वालिटीज़ को चुन चुन के एक हाइब्रिड क्रॉप ग्रो करते हैं, ठीक है। दूसरा है बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, यानी कि कोई भी
क्लाइमेटिक प्रॉब्लम हो, कोई भी नेचर की वजह से प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकता है वो हाइब्रिड क्रॉप, ठीक है ना। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे, जैसे ड्रॉट कंडीशन आइस या इंसेक्ट आइस, डिजीज आइस, कांटे आइस, उन सब को ओवरकम करना, उन सब के खिलाफ लड़ के ग्रो करना, वो जो कैपेबिलिटी होती है वो हाइब्रिड क्रॉप्स में होती है। दूसरा होता है जो ये हाइब्रिड क्रॉप्स होते हैं, चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, मतलब कि ये जल्दी, जितना टाइम इसको लगता है ग्रो करने में, पथ हार्वेस्ट, वो लंबा प्रोसेस, उस प्रोसेस को कम करना, ठीक है ना, उस ड्यूरेशन को कम करना। जितनी कम ड्यूरेशन होगी उतना जल्दी हमारे पास क्रॉप मिलेगा, है ना, उतना जल्दी हम क्रॉप को हासिल कर सकेंगे, तो हमारा टाइम बच जाएगा यहाँ पे। और जो जो क्रॉप्स विद इन लिमिटेड टाइम, जो कम टाइम में ग्रो हो सके, उससे एक फार्मर को भी फ़ायदा है, क्योंकि वो साल में लगभग 2-3 क्रॉप्स ग्रो कर सकता है, ठीक है ना। तो ये एक क्वालिटी होती है हाइब्रिड क्रॉप की। दूसरी है वाइडर अडेप्टेबिलिटी। डेवलपिंग वेराइटीज़ फॉर वाइडर अडेप्टेबिलिटी विल हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। वन वेराइटी कैन देन बी ग्रोन अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन इन डिफरेंट एरियाज़। वाइडर अडेप्टेबिलिटी को मतलब से क्वालिटी आसिन क्रॉप्स मंस कि किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन के अंडर इसको ग्रो कर सके, ठीक है ना। तो मतलब कि एक वैरायटी जो होती है इसको हम डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर डिफरेंट एरियाज़ में ग्रो कर सकेंगे, आज पहने का असर क्लाइमेट होगा, ठीक है ना। तो ये क्वालिटी होती है हाइब्रिड क्रॉप की। तो ये सब जो होती है, ये हमारे हाइब्रिड जो क्रॉप होता है उनमें ये क्वालिटीज़ होती है। लाइक लास्ट पे बोलता है डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि क्या होता है कि एक डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं क्रॉप्स में। लाइक यहाँ पे किन क्रॉप्स की बात की गई है, फोडर क्रॉप्स की। दफा इनमें क्या होता है, डिवाफनेस इज़ डिज़ायर्ड इन सीरियल्स। ये डिवाफनेस यानी कि सीरियल क्रॉप से ये टॉल ग्रो नहीं करना चाहिए, डिवाफ यानी छोटा ही ग्रो करना चाहिए, ताकि कम न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर सके ये क्रॉप। यानी कम न्यूट्रिएंट कंज्यूम कर, दस डेवलपिंग वेराइटीज़ ऑफ डिज़ायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स हेल्प गिव हायर प्रोडक्टिविटी। इससे क्या होता है, इससे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है क्योंकि इससे जो वेराइटीज़ डेवलप होती है उनमें क्या होता है, एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स होते हैं। ये एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स जो टॉलनेस, डिवाफनेस वगैरह जो होती है, ये सही मानों में डिज़ायर्ड तरीके से ग्रो करते हैं और एट द एंड हमें सही प्रोडक्शन देता है। मतलब ओवरऑल ये सारा जो है कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन से क्या होता है कि पहले तो ये चीज़ें फुलफ़िल करने चाहिए हाइब्रिडाइज क्रॉप्स, ठीक है ना। जो हाइब्रिडाइज क्रॉप्स होते हैं उनमें ये क्वालिटीज़ होती ही होती है। तो जब ये क्वालिटीज़ सही मानों में होंगी उनमें, तो एट द एंड हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। हमारा मेन फोकस है प्रोडक्शन पे, हमारी अच्छी क्वालिटी प्रोडक्शन होगी क्रॉप्स की। तो ये आ गया हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। सोन ट्रांसजेनिक वेराइटीज। ट्रांसजेनिक वेराइटीज और एक इम्प्रूविंग क्रॉप, यानी क्रॉप प्रोडक्शन को, क्रॉप इम्प्रूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए ट्रांसजेनिक वेराइटीज़ भी ग्रो की गई हैं। अभी ट्रांसजेनिक वेराइटीज़ क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जीन जो होता है ऑफ डिज़ायर्ड कैरेक्टर, यानि वो वाला जीन, लाइक कोई क्रॉप है इसकी जो यील्ड है ये बहुत यील्ड देता है हमें, इसकी क्वालिटी है कि ये डिजीज़ के अगेंस्ट बहुत अच्छे से लड़ता है, तो वो वाला जीन हम इसमें निकालेंगे। कौन सा जीन, डिजीज़ रेजिस्टेंट, यानी ये डिजीज़ के अगेंस्ट लड़ता है, वही जीन निकाल के हम दूसरे क्रॉप में इनकॉर्पोरेट करेंगे, दूसरे क्रॉप में डालेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसजेनिक वेराइटी। जो हमें वहाँ से वेराइटी मिलेगी वो होगी ट्रांसजेनिक वेराइटी। जो ट्रांसजेनिक वेराइटी जो होती है, इसमें जीन्स डिफरेंट क्रॉप से लाते हैं, फिर इंसर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो एट द एंड हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, हमें जो क्रॉप मिलता है, उसका क्या होता है, डिजीज़ फ्री होता है, न्यूट्रिशनल, उसमें न्यूट्रिएंट्स अच्छे से होते हैं, क्वालिटी होती है, यील्ड होता है ज़्यादा, ठीक है ना। यानी कि इस ट्रांसजेनिक वेराइटी जो हम डेवलप करते हैं, इसमें जीन्स इनकॉर्पोरेट करते हैं फ्रॉम द डिफरेंट स्पीशीज़। डिफरेंट स्पीशी क्रॉप से हम जीन निकाल के इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं।
तो इस ट्रांसजेनिक मेथड से बहुत सारे क्रॉप्स का यहाँ पे दिया गया है कि किन किन में इम्प्रूवमेंट लाई है, लाइक ब्रिंजल, कॉटन, कैबेज, कॉर्न, ग्राउंडनट एक्सेट्रा, वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना, एक्सेट्रा फॉर ट्रेड्स सच एज इंसेक्ट रेजिस्टेंस हर। अब इनमें कौन कौन से ये किए गए हैं कि कीड़ों मकोड़ों के खिलाफ लड़ना, वो जीन्स इनकॉर्पोरेट किए, वायरस रेजिस्टेंस, न्यूट्रिशनल एनहांसमेंट, साल्ट टॉलरेंस, फंगल रेजिस्टेंट एसेट्रा। तो इन जो क्रॉप्स की यहाँ पे एग्जांपल दी गई, इनमें जैसे इंसर्ट किया गया है, फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ आपको, इंसेक्ट रेजिस्टेंस यानी वो जीन इनमें डाला गया है कि ये बीमार कीड़ों मकोड़ों के खिलाफ इन ये लड़ सके। तो इससे क्या हो गया कि जब ये ओवरकम कर सके तभी तो ये ग्रो करेंगे, तो एट द एंड हमें प्रोडक्शन मिलेगी, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास 3 मेथड्स फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। अब है कि बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यूज़ करी है साइंटिस्ट ने ताकि कुछ मतलब कल्टीवेशन यानी क्रॉप ग्रो करने के टाइम कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी तरीके से की जाती है जिनसे क्या होता है कि हमारा क्रॉप जो है वो अच्छा ग्रो होता है, हमारी इम्प्रूवमेंट इनसे भी बढ़ती है। फ्यू इन स्ट्रैटेजीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है, लाइक वहाँ पे हमारे पास रोटेशंस ऑफ क्रॉप, मिक्स्ड फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, ये टर्म्स आप हमेशा याद रखेंगे क्या होती है। देखो क्या होता है, रोटेशन ऑफ क्रॉप क्या होता है, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड इन ए प्री प्लान्ड सक्सेशन इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड यानी कि मेजेंचर ज़मीन, ठीक है ना। देखो पहले हम इसको रीड करेंगे, क्रॉप रोटेशन कैन बी क्लासिफाइड एज टाइप्स ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग इफ देर इज एन इंडिविजुअल और कम्युनल फार्मर डूइंग द लेबर एंड इफ द यील्ड इज सोलली फॉर देयर ओन कंजप्शन। इट इज़ कैरेक्टराइज बाई डिफरेंट क्रॉप्स बींग ऑल्टरनेटिवली ग्रोन ऑन द सेम लैंड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर टू हैव इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ वीड्स, पेस्ट, डिजीज एंड नॉन इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। लाइक क्या होता है, ये जो तरीक रोटेशन मतलब जो कि अगर मैंने शायद ज़मीन च इसमें क्या होता है, अगर मैंने पहले साल इस पे वीट ग्रो किया, ठीक है ना, पहले साल मैंने इस पे अगर वीट ग्रो किया, फिर इसी ज़मीन में इसी फील्ड में मैं अगली बार कोई दूसरा क्रॉप ग्रो करूँगी, सेम क्रॉप ग्रो नहीं करूँगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे रोटेशन ऑफ टू क्रॉप्स विद इन अ ईयर एंड ऑल्टरनेटिव ईयर यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। अगर इसने रबी और खरीफ सीजन है, ठीक है ना, पहले इसने ज़मीन के अपने फील्ड में वीट ग्रो किया, बट अति वेरियस मज खरीफ सीजन में इसने पैडी ग्रो किया, दूसरे साल इसने इस पर ग्राम ग्रो किया, ठीक है ना, दूसरे साल फिर से पैडी ग्रो किया, यानी कि मतलब जो ये वन हो कि रोटेशन ऑफ क्रॉप मीन्स एक सेम पीस ऑफ लैंड पे आप अगर फर्स्ट टाइम कोई एक क्रॉप ग्रो करेंगे नेक्स्ट टाइम दूसरी क्रॉप ग्रो की जाती है, ठीक है। तो ये यूजुअली वो फार्मर्स करते हैं जिनने ये फॉर होम कंजप्शन के लिए लगता है यानी ओन कंजप्शन, खुद खाने के लिए ये चीज़ें लगती है, ये अपने घर खतर ये कर या ना कि मार्केट पर्पज़ के लिए, ठीक है। अब मेनी फार्मर्स इन इंडिया यूटिलाइज द क्रॉप रोटेशन सिस्टम टू इम्प्रूव और मेंटेन सॉइल। देखो क्या होता है कि ये क्रॉप रोटेशन कैसे वहाँ करना है ताकि हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन हो, हमारा जो पेस्ट है स्प्रेड यानी कि अगर डिजीज़ फ्री, पेस्ट फ्री, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ें ओवरकम करने के लिए हम ये स्टेप करते हैं क्रॉप रोटेशन, ठीक छा। अगर मैं हर साल एक ही पीस ऑफ लैंड पे सेम क्रॉप यूज़ करेंगे, आज तो कर्म पैडी यूज़, नए वरी तो कर्म पैडी यूज़, उसके बाद भी पैडी यूज़, सेम फर्टिलाइज़र, सेम प्लांट, सेम न्यूट्रिएंट कंजप्शन वगैरह वो ये सब, तो एट द एंड हमारी सॉइल की फर्टिलिटी लॉस होती है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए, ठीक है ना, और जो डिज़ीज़ होता है वो पेस्ट अटैक जो होता है वो बढ़ जाता है उस ज़मीन पे, तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए इशू क्रॉप रोटेशन कराएं, यानी कि हम साल में टर्न वाइज क्रॉप ग्रो करते हैं ना कि सेम क्रॉप ग्रो करते हैं। बाद को मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग को सिर्फ फार्मिंग या मुझे क्या करा, एक सेम पीस ऑफ लैंड पे एक एक से ज़्यादा यानी दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, मिक्स्ड मतलब को ना मिक्स करे थे साइज, तो हम क्रॉप्स को मिक्स में ग्रो करते हैं सेम पीस ऑफ लैंड पे, फॉर एग्जांपल वीट, ग्राम या वीट मस्टर्ड या ग्राउंड नट, सनफ्लावर, ठीक है ना।
This strategy helps in increasing agriculture production for same piece of land beside mixed cropping, also reduce risk and give some assurance of at least one crop in another is damage or failure is recorded. यानी कि same piece of land पे क्या होता है कि एक तो simultaneously हमें क्या होता है, हमें तो दो crops मिल गए सेम ही piece of land पे, प्लस अगर आ क्रॉप फेल गए तो अच्छा ऐसे ब्याह ऑप्शन के दुम क्रॉप छा ऐसे है ना. तो मिक्स्ड फार्मिंग में हम मिक्स करके यानी दोनों दो क्रॉप्स को एक ही सेम पीस ऑफ लैंड पे ग्रो करते हैं. बात करें इंटरक्रॉपिंग, सोइंग ऑफ टू क्रॉप्स इन अ सेम फील्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न इज नोन एज इंटरक्रॉपिंग. मिक्स्ड में तो हम मिक्स करके डालते हैं, इंटरक्रॉपिंग में मतलब हम क्या करते हैं इसमें भी हम दो क्रॉप्स को सेम पीस ऑफ लैंड पे ग्रो करते हैं. लाइक अगर मैं ज़मीन से त्रे रो वो में एक क्रॉप के फॉर एग्ज़ाम्पल मेज़ के, उसके बाद तीन रोज़ ऑल्टरनेटिव रोज़ पे हम सोयाबीन का करेंगे, यानी कि इसमें भी हम एट द सेम टाइम दो दो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. द क्रॉप इज सिलेक्टेड सच दैट देयर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट आर डिफरेंट. क्रॉप को इस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है ताकि इनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो, ठीक है ना, सेम न्यूट्रिएंट नहीं हो, ठीक है ना. तो उससे क्या होगा कि न्यूट्रिएंट सप्लाई जो है मैक्सिमम होगी, पेस्ट डिजीज़ नहीं अटैक होगा, ठीक है ना. फ्रॉम स्प्रेडिंग टू ऑल द बिलोंगिंग टू वन टाइप ऑफ क्रॉप इन द फील्ड, दिस वे बोथ क्रॉप्स कैन गिव बेटर रिटर्न्स. इसमें क्या होता है कि बोथ क्रॉप्स, दोनों क्रॉप्स जो होती है हमें सही फ़ायदा दे सकती है वहाँ पे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम, इसमें ज़्यादा यूटिलाइजेशन न्यूट्रिएंट्स की नहीं होगी. अगर बहुत बड़ा फील्ड है क्रॉप ग्रो, एक क्रॉप पे आख न्यूट्रिएंट डिमांड, दूसरे क्रॉप की दूसरी न्यूट्रिएंट डिमांड है, तो इसमें सही मिकदार में टोटल क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन होगी. अब हमारे पास अगर फील्ड है आत्मस्कोरस पैडी ग्रो, इम न्यूट्रिएंट कंज्यूम किया इसने, दूसरे साल भी हमने पैडी ग्रो किया यही न्यूट्रिएंट कंज्यूम, न्यूट्रिएंट लॉस भी सॉइल में हो गया तो हमारा वहाँ पे नुकसान है. तो यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड तरीके से न्यूट्रिएंट की यूटिलाइजेशन होती है, ठीक है. तो इसमें डिजीज़ और पेस्ट कंट्रोल भी होता है. ये अब कुछ स्ट्रैटेजीज़ है जिससे क्या होता है, एक तो हमारी ज़मीन भी फर्टाइल रहती है, हम क्रॉप के साथ साथ ज़मीन का भी ध्यान रखते हैं, ठीक है ना. एक तो क्रॉप की ग्रोथ तो होगी, क्रॉप इम्प्रूवमेंट तो होगी, हमने आर्टिफिशियली भी किया, टिश्यू कल्चर, हाइब्रिडाइजेशन, ट्रांसजेनिक मेथड एक्सेट्रा, ये सब हमने किया, प्लस हमने कुछ स्ट्रैटेजीज अप्लाई की, हमने इस तरीके से क्रॉप्स को ग्रो किया ना कि हमारी ज़मीन पर कोई असर पड़ा और हमारी क्रॉप की ग्रोथ भी अच्छी हो गई. तो ये तीन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा याद रखेंगे कि रोटेशन ऑफ क्रॉप का मतलब क्या होता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या गई तो इंटरक्रॉपिंग क्या. यहाँ पे आज का चैप्टर हमारा ख़त्म होता है, तो इंशाल्लाह कल हम नया चैप्टर उठाएंगे.